आप देख रहे हैं धन दौलत, मैं हूँ साक्षी बत्रा और ये है हमारा आज का खास प्रोग्राम, रिसेशन, आर्थिक मंदी। क्या आपको फिर से ये शब्द सुनने में आ रहे हैं? ये सच है कि बहुत सी ग्लोबल एजेंसियां ये मानकर चल रही हैं कि आने वाले साल 2023 में कई देशों में, खासतौर पर यूएस और यूरोप में रिसेशन आ सकता है। कई एक्सपर्ट्स का तो मानना ये है कि इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। अगर ऐसा है तो हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या यूएस की मंदी का खामियाजा भारतवासियों को भी भुगतना पड़ेगा? और अगर हाँ तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? अगर ये सभी सवाल आपके मन में हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इस खास शो पर रिसेशन के इम्पैक्ट से लेकर रिसेशन से निपटने के सभी टिप्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट जानने के लिए, रिसेशन क्या होता है। एक बार फिर से दुनिया में मंदी की आहट सुनाई दे रही है। पिछले दिनों एक आर्थिक संकट और महामारी के चलते कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर दुनिया पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसने बड़े बड़े देशों को टेंशन में ला दिया है। रेटिंग एजेंसियों से लेकर IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक तक सभी मंदी को लेकर पहले ही अपनी आशंका जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका और यूरोप में महंगाई चरम पर है। जर्मनी के एकीकरण के बाद पहली बार महंगाई दर 10% के पार दर्ज की गई। वहीं ब्रिटेन भी आर्थिक मंदी की चपेट में आने लगा है। यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देश रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इसका बड़ा असर रोजगार पर दिख रहा है और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार छटनी कर रही हैं। मंदी की आहट भर से ही कई सेक्टर्स में जॉब कट्स की शुरुआत हो चुकी है। मेटा, ट्विटर और अमेरिकी टेक कंपनियों में छटनी का दौर शुरू है, तो वहीं कई दिग्गज कंपनियों ने नई भर्ती पर रोक लगा दी है। मंदी की आहट भर से ही जब सबकी हलक सूखी हुई है, तो ऐसे में कुछ जरूरी कदम उठाकर मंदी के असर को कम किया जा सकता है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। आपको सबसे पहले अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपस्किलिंग करनी होगी, यानी आपको नए और रेलेवेंट स्किल सीखने होंगे ताकि आपके पास कई तरह के स्किल सेट हो और जरूरत पड़ने पर आपके पास किसी और फील्ड में काम करने का ऑप्शन हो। इसके साथ ही आपको हमेशा एक से ज्यादा इनकम का ऑप्शन रखना चाहिए। इनकम डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है ताकि एक स्ट्रीम प्रभावित हो तो दूसरी स्ट्रीम से पैसा आता रहे। मुश्किल वक्त में निपटने के लिए आपके पास एक बड़ा इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। आपके पास इतनी सेविंग्स हो कि अगले 3 से 6 महीनों तक आपका काम चले। अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी न छोड़ें। आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, टाइम फ्रेम क्या है और रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। दरअसल लंबे समय तक जब देश की अर्थव्यवस्था धीमी और सुस्त पड़ जाती है, तब उस स्थिति को आर्थिक मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। दुनिया पर भले ही आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन इसका असर भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने वाला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है और आने वाले समय में भी जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी और मंदी की मार दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपनी जद में लेगी, उस समय में भारत मजबूत स्थिति में नजर आएगा। मंदी के खतरे के बीच IMF ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया है, जो चीन, अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। बावजूद इसके मंदी की मार को टालने के लिए हमें भी कुछ एहतियाती कदम उठाने होंगे। अपना पोर्टफोलियो मजबूत करना होगा, साथ ही निवेश और करियर को लेकर ऐसी तैयारी करनी होगी जो मुश्किल वक्त में हमें बिखरने से बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज के हमारे पहले एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं, श्वेता जैन, फाउंडर एंड CEO इन्वेस्टोग्राफी और फाइनेंशियल प्लानिंग की एक्सपर्ट अब हमारे साथ हैं। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्वेता, अक्सर हम लोग रिसेशन की बात नहीं करते पर इससे घबराते जरूर हैं। रिसेशन अब आए, कैसे आएगा, खासतौर पर इसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं होता, पर इसे समझकर इसे डील करना ही सही उपाय है। तो सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं कि आखिरकार रिसेशन हमें किन तरीकों से इम्पैक्ट करता है। तो रिसेशन हम उसको कहते हैं जहाँ पे 2 या ज्यादा क्वार्टर्स का नेगेटिव ग्रोथ रहता है, मतलब ग्रोथ नहीं है या कम है, तो उसको रिसेशन कहा जाता है। हम मंदी भी कहते हैं इसको। बट ऐसे माहौल में सेंटिमेंट तो नेगेटिव हो जाता है,
बट काफी जो सेक्टर्स है वो इम्पैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो रिटेल हो जहाँ हम शॉपिंग कहें उनको, या फिर ट्रैवल और टूरिज्म हो, ये काफी सेक्टर्स इम्पैक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम और भी ज्यादा चीजों से जूझते हैं। तो रिसेशन में हम ये थोड़ी चीजों में देख सकते हैं, होटल्स है, हॉस्पिटैलिटी है, तो एक से दूसरा लिंक्स रहता है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि अगर हम खरीदारी नहीं करें तो मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट होता है, तो काफी चीजें लिंक्ड है। और फिर लास्ट स्टेज ऑब्वियसली यहाँ देखेंगे कि हम की जॉब कट्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें लिंक्ड है। और इसीलिए जब नेगेटिव ग्रोथ होता है या रिसेशन आने की तैयारी है तो लोग थोड़ा चौकन्ना हो जाते हैं क्योंकि इनकी रेपरकशन काफी है। बिल्कुल श्वेता, रिसेशन से पहले हमें हम कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं या कितने फाइनेंशियली वीक हैं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी फंड्स कितने हैं या हमारे पास डेट कितना है, तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं एज अ पर्सन, राइट, एज एन इंडिविजुअल, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने टाइम की तैयारी है। और दूसरा ऑफकोर्स ये है कि अगर कितने महीनों तक हमारे पास काम नहीं रहे तो हम सारी अपनी जो है पूंजी उसको लिक्विडेट करके रह सकते हैं, नॉट जस्ट इमरजेंसी बट अदरवाइज ऑल्सो, और हम इस दौरान अपने कमिटमेंट्स को कैसे मीट कर पाएंगे। अगर ये दो तीन पैरामीटर्स हम देखें तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने तैयार हैं या कितने स्ट्रांग हैं रिसेशन के लिए। जी श्वेता, आपने डेट के बारे में बात करी, कर्ज यानी कि लोन्स, इसे कैसे हैंडल किया जाए जब हमारे आगे रिसेशन की कंसर्न्स हैं, हो सकता है हमारे पे कट्स हो, जॉब लॉसेस हो, ऐसे में लोन्स को डील करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? तो लोन्स, इसीलिए आई थिंक लोग लोन से थोड़ा डरते हैं, एटलीस्ट जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बट अगर यंग लोगों को देखें तो हमको लगता है कि लोन्स फ्री मनी है। तो लोन्स जब भी ले, कोई भी, थोड़ा सा सोच समझ के ले, और जिन्होंने लोन ले रखा है वो हमेशा ये तैयारी रखे कि आपसे 5 से 6 महीने के ईएमआईज आपकी तैयार होनी चाहिए इमरजेंसी फंड के अलावा ईएमआई, क्योंकि आप उसको मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपने स्किप किया तो बहुत उसके इम्प्लीकेशन होंगे, चाहे रिपोजेशन हो, चाहे आपका क्रेडिट स्कोर अफेक्ट हो, और वो आगे जाके लाइफ में आपको और इम्पैक्ट कर सकती है, तो ईएमआई को हम लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो वो एक थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपके खर्चे हैं और आपको लग रहा है कि आपका जॉब लॉस हो सकता है या आपकी सैलरी कट हो सकती है, तो खर्चे जितने जल्दी हो कम कर सके। देखिए, ईएमआई हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स है, बट हमारे जो खर्चे हैं वो हमारे हाथ में है, तो वो आप उसको इमीडिएटली कम कर दें। श्वेता, निवेश पर यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर भी क्या रिसेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर है तो हम इसे कैसे प्रोटेक्ट करें? जी बिल्कुल, रिसेशन का हर जगह इम्पैक्ट होता है और इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि मार्केट पहले रिएक्ट करता है। तो आपको दो तीन चीजें आप कर सकते हैं, एक तो आप अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखिए, दूसरा जो आप इक्विटी में डाल रहे हैं पैसा, अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कट हो सकती है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रोक दीजिए या कम कर दीजिए जो कंफर्टेबल नहीं है, वरना जब मार्केट नेगेटिव होंगे तब आपको पैसा निकालना पड़े तो लॉसेस ज्यादा होंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एसआईपी रोकना अच्छी बात है, बट अगर आपकी कंपनी में जॉब कट हो रहे हैं और आपको लगता है कि आप ही उनमें हो सकते हैं, तो एक बार एसआईपी रोकना एक समझदारी की बात रहेगी, स्पेशली अगर इक्विटी में जा रहा है तो, क्योंकि इक्विटी में जो भी निवेश होता है वो एटलीस्ट 5 से 10 साल हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है उसको आप जितना टच ना करें उतना अच्छा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज पैसा है इक्विटी में मैं उसको निकाल के खर्चा कर लूं। खर्चा पहले कम कीजिए, तो आप अपने आप से अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बचा लीजिए, और अगर आप अभी भी देख सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में अगर थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स हैं तो आइडियली आप उनका, अगर प्रॉफिट्स में तो डेफिनेटली आप उनको डाइवर्सिफाइड फंड्स में मूव कर दीजिए, या उसको लिक्विडेट करके, इमरजेंसी फंड्स नहीं है तो उसके लिए तैयारी करें। तो जब हमारी रेगुलर इनकम को नुकसान होता है, इसे धक्का लगता है, ऐसे में क्या उपाय आप सजेस्ट करते हैं सब लोगों को? जब रेगुलर इनकम पे इम्पैक्ट होता है तो हमारे खर्चों पे होता है, हमारी लाइफस्टाइल पे होता है, सब चीजों पे इम्पैक्ट होता है, और हमारी मेंटल स्पेस पे भी काफी इम्पैक्ट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इस दौरान अगर किसी का जॉब लॉस हुआ है तो
तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, काम ढूंढते रहिए, एक फ्रीलांसिंग अगर जो कर सकते हैं वो करिए, अगर पैसिव इनकम आ सकती है अपने इन्वेस्टमेंट से तो उनको आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन करिए, थोड़ा फोकस उन पे दीजिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी का जॉब चले गया तो और कोई तरीके नहीं है पैसे कमाने के। काफी लोग अपने हॉबी को भी बिजनेस बना लेते हैं, तो आप उसको भी थोड़ा देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी बातें आपने बताई हैं श्वेता, मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सभी दर्शक इसको खास तौर पर ध्यान में रख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी जनता के भी ढेर सारे सवाल हैं जो हम आपसे आगे चलकर पूछेंगे। फिलहाल चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष के पास जो ये बता रहे हैं कि रिसेशन आने से पहले आप अपनी जॉब्स को क्या किसी तरीके से इंश्योर कर सकते हैं या नहीं, बताइए हर्ष। मंदी के मंडराते खतरे के बीच कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है, लिहाजा इस खतरे से निपटने के लिए जॉब इंश्योरेंस जो है वो कवर काफी ज्यादा मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन इससे जुड़े कुछ अहम सवाल हैं जिसके जवाब आपको जरूर जानने चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर जॉब इंश्योरेंस को आपको समझाने की कोशिश की है कि इसके चार हिस्से, चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है। क्या जॉब इंश्योरेंस कवर क्या होता है, क्या ये स्टैंड अलोन पॉलिसी होती है या फिर ये राइडर के साथ ऐड होता है, कैसे मिलेगा जॉब इंश्योरेंस कवर, इसके लिए एलिजिबल कौन लोग होते हैं। तीसरा पॉइंट, क्लेम के नियम और शर्तें, हर पॉलिसी के कुछ नियम और शर्तें होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कैसे करें क्लेम, क्लेम करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे और कितनी जल्दी आपका क्लेम सेटल होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर ये जॉब इंश्योरेंस कवर आखिर होता क्या है। देखिए, भारत में स्टैंड अलोन पॉलिसी नहीं है, विदेशों में जो होता है जॉब इंश्योरेंस जो होता है वो स्टैंड अलोन होता है। स्टैंड अलोन के मायने ये हुए कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ली या फिर आपने कोई टर्म इंश्योरेंस लिया, वो फुल फ्लेज पॉलिसी होती है, लेकिन ये फुल फ्लेज पॉलिसी नहीं होती। तो फिर ये कौन सी पॉलिसी होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको इसमें ऐड करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस के साथ आपको ये कवर लेना पड़ता है। कैसे, इस हिसाब से जैसे आप एक मुख्य पॉलिसी के साथ एक आप राइडर को जोड़ सकते हैं, इस लिहाज से ये बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे ले सकते हैं इस प्लान को, हेल्थ या होम इंश्योरेंस के साथ आप इस प्लान को ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आखिर ये जॉब इंश्योरेंस प्लान है क्या। अब कैसे मिलेगा जॉब इंश्योरेंस का कवर, अब देखिए पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक आर्थिक सुरक्षा मिलती है, इस लिहाज से बहुत काम की पॉलिसी है। अगर मान लीजिए आपकी अचानक से नौकरी चली जाए, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाए, तो आपके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम इस पॉलिसी के जरिए आता रहता है। इसके बाद क्या है, देखिए निर्धारित समय तक मिलती है तय रकम। अब हर कंपनी की पॉलिसी जो है वो अलग अलग है, तो उसी हिसाब से ये तय किया जाता है कि कितना प्रीमियम होगा और कितना आपको इसका क्लेम मिलेगा। ज्यादातर ये होता है कि एक साल से लेके पांच साल तक का इसका प्रीमियम, मतलब आपको ये कवर दे सकता है, आपको इसे कवर कर सकता है। उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट देखिए, हर कंपनी के लिए अपनी नियम और शर्तें, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस कंपनी के नियम और शर्तें क्या है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपको जिस चीज की जरूरत है क्या वो ये चीज ये पॉलिसी पूरी कर रही है, इस चीज को देखते हुए आप पॉलिसी खरीदिएगा। इसके बाद ये देखिए, जॉब इंश्योरेंस के लिए अलग से प्रीमियम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है एक राइडर के तौर पर आप एड ऑन करा सकते हैं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। मुख्य पॉलिसी के लिए तो आप एक प्रीमियम चुकाएंगे, साथ में इस राइडर के तौर पर भी एक्स्ट्रा प्रीमियम आप चुकाना आपको होगा। अब पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन की मैं आपकी बात करूं, टर्म एंड कंडीशन बहुत ज्यादा आपको ध्यान से पढ़नी होगी, क्योंकि इसकी जो नियम है, जैसे मान लीजिए कि आपकी किसी पुरानी बीमारी के चलते, अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है उसके चलते अगर आपकी जॉब चली गई या आपने खुद नौकरी छोड़ दी, तो फिर इस पॉलिसी के आप हकदार, इस क्लेम के आप हकदार नहीं होंगे। तो बहुत सारी ऐसी जो इसके टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके बारे में आपको बताता हूं। तो चलिए, इसके बाद क्या है, क्लेम के नियम और शर्तें, यही मैं नियम और शर्त आपको समझाना चाह रहा हूं। निश्चित समय तक बीमा कंपनी के से आपको आर्थिक मदद मिलती है, आर्थिक मदद भी इस लिहाज से मिलती है, देखिए अलग अलग कंपनियां हैं। अब आप सोचिए कि कंपनी जो है बहुत समझदार होती है इस मामले में, कंपनी देखती है कि आप किस सेक्टर से जुड़े हैं, वहां पर कितनी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी तो नहीं है, कहीं जॉब का ज्यादा खतरा तो नहीं है, तो इन सब चीजों के हिसाब से वो आपका आपका जो होता है प्रीमियम तय करती है। और उसके साथ ही ये देखिए कवर भी तय किया जाता है आपका, कि राशि की जो कवर होगा उसकी जो कंपनी होगी वो क्या तय करती है। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर मान लीजिए आपकी सालाना 1,00,000 रुपए सैलरी है और आपकी 25 दिन की सैलरी के हिसाब से ये इसका प्रीमियम तय करते हैं, जो कि 20 से 25,000 रुपए हो सकता है, अमूमन ऐसा होता है, और इसका कवर 3 से 4 लाख रुपए का होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप ये पॉलिसी लेने जाएंगे। अब क्या है कि किस इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन का ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, अगर किसी कंपनी में आपने कुछ गमन कर दिया है, कुछ फ्रॉड कर दिया है, तो फिर आप क्लेम के हकदार बिल्कुल भी नहीं होंगे, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रोबेशन पीरियड ये भी ध्यान रखिएगा, आप न्यू जॉइनी है, कई कंपनी में 6 महीने का होता है प्रोबेशन पीरियड, कई में 1 साल का होता है, इसी दौरान अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो फिर आप इसमें कवर नहीं होंगे।
इसके साथ ही अस्थायी नौकरी वाला भी जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारे इंप्लॉय होते हैं, कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, तो इस पहलू को जो है वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है इसको देखती है, और इस लिहाज से अगर आप अस्थायी नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये काम की स्कीम बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए लास्ट पॉइंट, कैसे करें क्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को आप सूचना दें, बहुत तरह की गलतियां करते हैं लोग। अब जैसे मान लीजिए जॉब चली गई और फिर क्या है कि नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ता है, नोटिस पीरियड 1 से लेकर 3 महीने तक अलग अलग होता है कंपनियों में। कई लोग क्या करते हैं कि नोटिस पीरियड जब खत्म होने लगता है तब इन्फॉर्म करते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपकी नौकरी जाएगी आपको तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को उसकी सूचना देनी है। अब रोजगार से जुड़े आपको दस्तावेज भी जमा करने होंगे, क्योंकि सबसे पहले जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको ये बता दिया जाता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे जब आपकी जॉब चली जाएगी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक सीक्वेंस बना के आपको कंपनी को देना होगा। अब क्लेम को वेरीफाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप सोचते हैं कि आपने जैसे सूचित किया और वैसे ही आपको फायदा मिलने लग जाएगा, आपको आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। कंपनी जो है पहले सभी तथ्यों को ऑथेंटिसिटी को चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही आपका क्लेम जो होगा वो आगे बढ़ेगा, आपको क्लेम मिलेगा। इसका जो आखिरी पॉइंट है, टर्म एंड कंडीशन पूरा करने पर ही मिलेगा क्लेम। देखिए मैंने जो आपको बताया टर्म एंड कंडीशन आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, टर्म एंड कंडीशन के लिहाज से कि अगर आपकी कोई पुरानी बीमारी के चलते आपकी जॉब चली जाए, या फिर और जैसे मैंने आपको बताया किसी भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त हैं, इन्हीं तरह की चीजों को देखते हुए आप टर्म एंड कंडीशन को इस चीज का ध्यान रखिए, और ये पॉलिसी इस लिहाज से बहुत ज्यादा यूजफुल है। जी साक्षी, शुक्रिया हर्ष। और अब इस शो पर हमारे साथ एक करियर एक्सपर्ट भी जुड़ रही हैं, अमृता गुलाटी है हमारे साथ, एकेडमिक डायरेक्टर IC3 इंस्टीट्यूट से। बहुत बहुत शुक्रिया अमृता अपना समय हमें देने के लिए, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम बता दें कि बात हो रही है रिसेशन की, यानी कि आर्थिक मंदी की, और इसके इम्पैक्ट को जानने के लिए हमने आपका स्वागत किया है यहाँ। सबसे पहले ये बताइए कि खास तौर पर जॉब्स की जब बात आती है और जॉब लॉसेस का जब बातचीत होती है रिसेशन के चलते, तो कौन से जॉब्स पर सबसे ज्यादा असर होता है रिसेशन का और कहाँ कम होता है? इस सवाल का बहुत सिंपल जवाब है, जो ऐसी रोल्स हैं या जॉब्स हैं जहां पे रेपिटेशन इन्वॉल्व है, बार बार जहां सेम चीज करनी होती है, वो अब टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर रही है। तो मैं कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं स्पेसिफाई करूंगी, बट अगर एक कॉमन इंसान को सोचना है कि कौन से करियर्स हैं या कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां रिसेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, तो उन रोल्स में और उन नौकरियों में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है जहां आपको सेम काम बार बार करना है, क्योंकि वो आप एक मशीन से भी करा सकते हैं, और जहां पे कोई क्रिएटिविटी नहीं है, या जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो स्टैंडर्ड है। जो आपको जैसे कॉल सेंटर में तो आपकी कंप्लेन है, आप प्रेस 1, आप वहां चले जाएंगे प्रेस 2, तो जो भी काम ऑटोमेट हो सकता है या मशीन और कंप्यूटर के द्वारा हो सकता है, जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज है जिसमें, और जहां पे रेपिटेशन है, वो वाली जो नौकरियां हैं वो बहुत ही जल्दी जॉब मार्केट से उड़ती जा रही है। अमृता, जब नई स्किल्स की बातचीत हो तो कहाँ से ये नई स्किल्स अक्वायर की जाए, किस तरीके के कोर्सेज बाजार में अवेलेबल हैं, कुछ वेबसाइट्स का अगर आप एग्जांपल देकर बता पाएं कि कहाँ से लोग इन स्किल्स को अक्वायर कर सकते हैं? तो साक्षी, पहले तो ये जानना जरूरी है कि कौन सी स्किल्स हैं ये जिनके, तो मैं सिर्फ 4-5 स्किल्स का नाम लेना चाहूंगी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स या जो बच्चे कॉलेज में हैं उनके लिए रेलेवेंट होंगी। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन में वर्बल ओरल स्किल्स हैं, और राइटिंग स्किल्स भी हैं। आजकल कोई भी काम एक ईमेल के नहीं होता है, एक ईमेल के बिना आपको ईमेल में क्या लिखना है, अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन और स्किल्स हैं। तो इन सब के लिए बहुत यूट्यूब वीडियोज आते हैं जो 5 मिनट के वीडियोज, 3 मिनट के वीडियोज होते हैं, और आप अपनी इंडस्ट्री का भी डाल सकते हैं कि कम्युनिकेशन इन आईटी इंडस्ट्री, तो आपको वो रेलेवेंट वीडियोस मिलेंगे। हरप्पा एक प्लेटफॉर्म है जिस जो सिर्फ स्किल्स के ऊपर ही बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, और वो प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आप अपनी स्पीड से, अपने हिसाब से, जब आप देखना चाहें और जैसे कंटिन्यू करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसमें आपको क्विज भी है, आपकी शॉर्ट टेस्ट भी है, आपको सिचुएशन भी दी जाती है, आप उसमें वो स्किल कैसे अप्लाई करेंगे और रिविजन और आगे कैसे बढ़ेंगे ये भी होता है। तो मैं हरप्पा का प्लेटफॉर्म रेकमेंड करूंगी, और बाकी जो है यूडमी कोर्स वगैरह ये हम सब जानते हैं, बट क्योंकि मैं हरप्पा खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अमृता, पार्ट टाइम जॉब्स लोगों को कहाँ से मिल सकती हैं रिसेशन के टाइम पर, अगर किसी की जॉब चली जाए, पे कट हो जाए और एक्सपेंसेस मीट करने के लिए उनको पार्ट टाइम जॉब करनी हो तो वो कौन सी होनी चाहिए? तो ये इसके लिए आई थिंक पार्ट टाइम जॉब्स जो है
इनको गिग रोल्स भी कहा जाता है आज, तो अगर आपकी कोई, लेकिन वो आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है, आप कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस ला रहे हैं जो आप एक नई कंपनी को, एक स्टार्टअप कंपनी को आप दे सकते हैं। और आवरली बेसिस पे भी अगर आप, तो अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे ढूंढे आपको पार्ट टाइम रोल्स भी मिलते हैं, लेकिन ये आपको ओपन टू वर्क और ऐसे, और पहले ही से ही शुरू करना है, ये नहीं कि जिस दिन आपकी नौकरी चली गई आप उस दिन ढूंढेंगे। अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स के बाद अगर आपके नेटवर्क में, जैसे मैं काम कर रही हूँ, जैसे अगर मैं न्यूज चैनल में काम करना चाहती हूँ और मेरी आपसे इंटरेक्शन हुई है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मेरे को आधा दिन के लिए मैं देखना चाहूंगी आपका काम कैसे है? तो क्या मैं अपना ऐसे नेटवर्क बढ़ा रही हूँ उन लोगों के साथ जो और जगह काम करते हैं, और अपनी अवेयरनेस बढ़ा रही हूँ ताकि मैं एक वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूटर हो पाऊंगी? तो बहुत जगह आप पार्ट टाइम जॉब्स या गिग रोल्स के लिए भी ढूंढ सकते हैं। मेरे ऐसे कोई एक्सक्लूसिव वेबसाइट नहीं है जो सिर्फ गिग रोल्स या पार्ट टाइम रोल्स के लिए करेंगी, और बहुत जो ऐसे एडवर्टाइज होते हैं, जो जनरली एडवर्टाइज होते हैं, वो डेटा एंट्री जॉब्स होते हैं या मार्केटिंग जॉब्स होते हैं, तो वो हर एक के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे। इसलिए आपको अपने नेटवर्क में देखना होगा और लोग ऐसे ढूंढने पड़ेंगे रोजमर्रा की इंटरेक्शन में जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं और जिनके साथ आप बताकर बोल सकते हैं कि हाँ मैं ये और करना चाहता हूँ। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी करेंगे तो फिर वो दोनों चीजें आप इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्किल और अर्निंग एबिलिटी बना सकते हैं अपने लिए। और अब रुक करते हैं जनता के सवालों का। दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, श्वेता जैन है और साथ ही साथ अमृता गुलाटी भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। जनता के कुछ सवालों को फटाफट से ले लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है मेघा का, ये सवाल नागपुर से है। मेघा जानना चाहती है कि क्या रिसेशन के वक्त गोल्ड में निवेश करना सही रहेगा? श्वेता बताइए। रिसेशन के टाइम गोल्ड इंक्रीज हो जाता है, तो इन एंटिसिपेशन में हम गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। एक टैक्टिकल कॉल हो जाता है लेकिन, कि अभी निवेश करें और जैसे ही हम वापस ग्रोथ देखें पैसा उससे निकाल लें, क्योंकि जब ग्रोथ का माहौल रहता है तब गोल्ड उतना अच्छा नहीं करता है। तो एक टैक्टिकल कॉल आप ले सकती हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि 10-15% ऑफ योर पोर्टफोलियो से ज्यादा आप गोल्ड में निवेश करें। अमृता, अगला सवाल मैं आपसे लेती हूँ। ये आशीष का सवाल है, मुंबई से आया है। वो जानना चाहते हैं कि रिसेशन में खुद का स्टार्टअप कैसे किया जाए, खासतौर पर अगर छोटे बिजनेस की शुरुआत करनी हो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो क्या ये सही ऑप्शन होना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग्स कितनी होंगी, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, और वो बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस किस तरीके का है। क्या आपको कुछ स्टॉक रख के उसको आगे सेल करना है तो उसमें आपको पहले इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्या, या क्या आप कुछ स्किल बेस्ड या सर्विस बेस्ड कर रहे हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है? तो जरूर ये हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो वैसे नौकरी में ये रिस्क नहीं ले पाते, तो कईयों के लिए ये अच्छा मौका बन जाता है। लेकिन ये असेस करना कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, और आप ये कब तक, और बहुत जरूरी ये है कि आप अपने आप को टाइम लिमिट दीजिए कि ये मैं स्टार्ट करूंगा और मैं 6 महीने के लिए ट्राई करूंगा, अगर मुझे नहीं तो, और साथ साथ में शायद नौकरी भी ढूंढते रहना। तो अब इसमें ना दो ओपिनियन हो सकते हैं, या फिर तो नहीं कि डट के सिर्फ आंख बंद करके अपना स्टार्टअप पे ही फोकस करिए, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नाजुक है और ऐसी है कि आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं खींच सकते, तो साथ में शायद जॉब और स्किल ट्रेनिंग भी जरूरी हो सकती है। अगला सवाल भी श्वेता लेते हैं। राहुल का सवाल है, ये दिल्ली से आपसे पूछ रहे हैं, क्या कोई ऐसे निवेश के ऑप्शंस हैं जहां से मंथली इनकम उनको मिल जाए अगर जॉब लॉस हो तो? जी राहुल जी, बिल्कुल है ऐसे ऑप्शंस जहाँ पे आपको मंथली इनकम मिल सकता है। आपको मंथली इनकम स्कीम्स देख सकते हैं आप डेट फंड देख सकते हैं जिसमें आप सिस्टमैटिकली विदड्रॉ कर सकते हैं मंथली। म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, पोस्ट ऑफिस की भी स्कीम्स होती हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं और आपको मंथली इनकम आ सकती है। अगला सवाल हमारे पास जयपुर से आया है। नवनीत पूछ रहे हैं कि क्या रिसेशन में इमरजेंसी अगर हो तो ईपीएफ या फिर पीपीएफ से पैसा वो निकाल सकते हैं? आप बिल्कुल ईपीएफ से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे। पीपीएफ में मुझे नहीं लगता है कि आपको वो ऑप्शन देंगे, अनलेस के कुछ स्पेसिफिक कारण होंगे, तो आप वो कारण में अगर आपका रीजन पड़ता है तो वो आप पीपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं 15 ईयर्स के पहले, बट वरना पीपीएफ काफी स्ट्रिक्ट है, नहीं निकाल सकते। ईपीएफ थोड़ा सा आप फिर भी निकाल सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा आपके टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे। ये आपका एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको ईपीएफ पीपीएफ में से पैसा नहीं निकालना चाहिए वरना। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका और अमृता आपका भी इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।
थैंक यू साक्षी। धनदौलत के इस खास शो को यहीं समेटते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, एक नए मुद्दे को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gnttv.com पर।